माय डियर ऑल स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान की टॉपिक पर चर्चा करना है हमको कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किसने किया है और इसकी परिभाषाएं क्या होती है। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान की उत्पत्ति है, जीनेसिस ऑफ बायोलॉजी, इसके बारे में बताएंगे। जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो प्लस लोगोस शब्द से हुआ है। जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो प्लस लोगोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जीवन का अध्ययन करना होता है। तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज है, इस पर मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप लोगों को फोकस करना है इस टॉपिक पे। जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो प्लस लोगोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जीवन का अध्ययन करना होता है और इसका खोज अरस्तु ने किया था। लेकिन मुख्य टॉपिक इसमें ये आ रहा है, इसमें बायो प्लस लोगोज क्या होता है। ओके, बायो प्लस लोगोज क्या होता है कोई अगर पूछ दे, ये तो ग्रीक लैंग्वेज है ना, बायो और लोगोज यार ओ जी ओ यार, ये तो ग्रीक लैंग्वेज है। और जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे बायो को, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लाइफ, एल आई एफ ई, आई इसका हो जाएगा स्टडी। और जब लाइफ का तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा जीवन, आई स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन करना यानी जीवन का अध्ययन करना। और जब दोनों को मिला देंगे, बायो प्लस लोगोस का अर्थ दोनों को मिलाएंगे हिंदी में, तो जीवन का अध्ययन करना होता है। अगर कोई पूछता है ग्रीक जो लैंग्वेज है बायो प्लस लोगोस, इसका अर्थ क्या होता है, तब बताना है। तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो प्लस लोगोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जीवन का अध्ययन करना होता है और इसका खोज अरस्तु ने किया था। इसकी दो शाखाएँ होती हैं, नई शाखाओं के बारे में अभी फिर बाद में लेक्चर देंगे, पहले इसकी परिभाषा समझिए। दूसरा टॉपिक है परिभाषा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों, जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों यानी जंतु और वनस्पति दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उससे जीव विज्ञान कहते हैं। इसका खोज तो मैंने ऊपर दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसकी जो जीव विज्ञान है, इसकी भी कितनी शाखाएं होती हैं, इसके भी दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसको बाटनी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको जियोलॉजी बोलते हैं। इसको बाटनी बोलते हैं या इसको जियोलॉजी बोलते हैं। बाटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान और जियोलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सभी प्रकार के जीव विज्ञान की शाखा है। ठीक है, ये तो विज्ञान की शाखा थी, जीव विज्ञान की शाखा था, और वनस्पति विज्ञान ये जीव विज्ञान की शाखा हो रही है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसका खोज थ्रियोफॉरेस्टस ने किया था। इसने थ्रियोफॉरेस्टस ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान, और इसका खोज थ्रियोफॉरेस्टस ने किया था। जब जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो हमारा कौन सा विज्ञान होगा, जंतु विज्ञान होगा, और इसका खोज अरस्तु ने किया था। आज जब इसका खोज अरस्तु ने किया था जंतु विज्ञान का, ठीक है, और जीव विज्ञान का भी खोज अरस्तु ने ही किया था। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, और जब दोनों को मिला देंगे, वनस्पति और जंतु, यानी वनस्पतियों और जंतुओं का जब अध्ययन करेंगे दोनों को मिला के, तो हमारा जीव विज्ञान होगा। ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, और इसका मीन्स और इसका मतलब क्या होता है। अगला जब वीडियो आप लोग देखिएगा, उस चैप्टर पर वीडियो बनाया जाएगा। ये साइंस का हिस्ट्री था, और उसके मतलब जो जन्मदाता थे, इसके बारे में मैंने लेक्चर दे दिया है काफ़ी। सो आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा मैं आशा करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।